आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल फोन से जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, और इस वीडियो में जो हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं वो मोबाइल फोन से ही बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन होता है तो आप लोग मोबाइल फोन से भी अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के बारे में बताएंगे, बाकी अगर आप आय या फिर निवास बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो है आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो सिंपल सा अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलना है, सर्च बार में यहां पे आपको टाइप कर देना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक, इस तरह से आप लिखिएगा ई डिस्ट्रिक्ट स्पेस देके यूपी लिखेंगे, उसके बाद में आपको सर्च करा देना है। सर्च कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा, फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट का लिंक दिया है यहां पे आपको फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर ही क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यूपी डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आपको क्लिक करना है सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से कोई भी यानी कोई भी कैंडिडेट आके जो है अपना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र बना सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको आईडी बनाना होता है। आईडी बनाने के लिए सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं दिया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके अपनी एक बार आईडी बना लीजिए, उसके बाद का भी आप जो है एक साल दो साल बाद भी अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप घर के किसी दूसरे एक पर्सन का भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आईडी बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल से एक आईडी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं जन्म तिथि, उसके बाद आपको अपना जेंडर, आवासीय पता, पिन कोड, जिला और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड जो है यानी कि कैप्चा कोड डाल के सुरक्षित करने के ऊपर क्लिक करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक, आईडी आप लोग बना लीजिएगा और जिनकी बनी है उसे कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है पासवर्ड। जब आप आईडी क्रिएट करेंगे तो आपका यूजर नेम और आपको जो पासवर्ड है बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को इस वाले में डालेंगे, नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में आप जो है पोर्टल पे कुछ इस तरह से जो है लॉगिन हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा। अब यहाँ पे जैसे जात प्रमाण पत्र आपको अप्लाई करना है तो जात प्रमाण पत्र, अगर आपको हिंदी में जात प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको जात प्रमाण पत्र हिंदी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको अंग्रेजी में चाहिए तो उसके नीचे देख सकते हैं जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी में दिया गया है, तो आप अंग्रेजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह में कहीं पर भी लगाना है तो हिंदी अंग्रेजी किसी में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है हिंदी में ही अप्लाई करते हैं, तो यहां पे हम हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद में कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। आप सिंपल से यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और ये जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है जैसे 632D15 करके दिया गया है, तो इस कोड को यहाँ पे डालेंगे, इस चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है, नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है एक छांक की ओटीपी आएगी, तो उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में डालना है और किस नंबर पर ओटीपी जा रही हूँ उसका लास्ट का 4 अंक यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो ओटीपी डालेंगे, उसके बाद नीचे जो है सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो जात प्रमाण पत्र का फॉर्म है खुल के आ चुका है और यहाँ पे जो है नाम आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से ही ले लेता है, उसके बाद में अंग्रेजी में भी नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है पिता, पति या फिर संरक्षक का नाम, तो यहाँ पे अगर जैसे किसी अनमैरिड फीमेल का बना रहे हैं, लड़की का बना रहे हैं, तो उसके पिता का नाम इस पे टिक करेंगे पिता के नाम पे और उसका पिता का नाम डालेंगे, या फिर किसी लड़के का बना रहे हैं तो उसके पिता का नाम डालेंगे। ठीक, उसके बाद में अगर किसी मैरिड यानी कि महिला, विवाहित महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे पति के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पे उसके पति का नाम डालेंगे। इन केस अगर पिता पति नहीं है तो उस केस में आप संरक्षक के ऊपर क्लिक करके आप भाई, दादा, जो भी गार्जियन है उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको माता का नाम उसके डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे देख सकते हैं दिया है वर्तमान पता। अब वर्तमान पता में यहाँ पे मकान नंबर आपको डाल देना है, अगर नहीं पता है तो मकान नंबर में आप 00 डाल सकते हैं। और यहाँ पे मोहल्ला और पोस्ट में आप अपने मौजे का नाम, कामा
पता लगा के अपने पोस्ट का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे जनपद जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा। ठीक, उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे तहसील पूछ रहा है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी तहसीलें हैं आपकी जनपद में आ जाएंगी, आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ग्राम चुने का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना गाँव सेलेक्ट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी गाँव हैं सभी गाँव के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से जो है अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एक डाल देना है। मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आधार लिंक वाला ही, दूसरा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं फिर अस्थाई पता आपसे पूछ रहा है, तो अगर आपका अस्थाई पता और वर्तमान पता सेम है तो आपको क्या करना है, आपको उपरोक्त के ऊपर क्लिक कर देना है, तो नीचे का पता आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो जैसे मेरा सेम ही है तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर देता हूं, तो इसके ऊपर चेकबॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पे देख सकते हैं मेरा पता ऑलरेडी फिलअप हो गया। अगर आपका अस्थाई और वर्तमान पता अलग अलग है तो आप यहां पे अलग अलग भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, अब यहां पे क्योंकि आप जात प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो जात प्रमाण पत्र के लिए आप यहां पे अपनी जात चुनेंगे कि आप पिछड़ी वर्ग में है, अनुसूचित जात में है कि अनुसूचित जनजात में है, तो यहां सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे पिछड़ी जात के ऊपर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हम ओबीसी में है। उसके बाद में यहां पे उपजाति आपको सेलेक्ट करना है, तो उपजात में जो आपकी जाति है जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं जो भी अहेर कचेर जो भी आपका है कुम्हार कुर्मी जो भी जाति है आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जात सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यानी किस लिए आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे जिस भी कारण से आप बनवा रहे हैं, जैसे हम स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया है छात्रवृत्ति हेतु, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं छात्रवृत्ति हेतु। उसके बाद ये पूछा है क्या इससे पूर्व जो है जात प्रमाण पत्र जारी हुआ था, तो आपके पास अगर जारी हुआ था तो यहाँ पे हाँ करके उसकी अगर है पुराना तो उसका आवेदन संख्या वगैरह डाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं पर ही रहने देते हैं। अगर आपका भले ही बना था लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नहीं भी डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आपका बन जाएगा। उसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया तो इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पे आपका राशन कार्ड संख्या वगैरह जो है ऑटोमेटिक यहां पे ले लेता है, ठीक। उसके बाद में यहां पे संलग्न शीर्षक, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर यहां पे आपको फोटो अलग से अपलोड करना है, कोई नई फोटो आपको अपलोड करना है, तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक करने के बाद में यहां पे फोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपनी गैलरी से जो है फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम फोटो अलग से नहीं अपलोड करेंगे क्योंकि यहां पे हम फोटो जो है आधार कार्ड वाली ही अपलोड करेंगे, तो इसके लिए यहां पे ऑप्शन दिया गया है कि आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें, तो आपको उसके नीचे जो चेकबॉक्स दिया है इसी पे सिंपल सा आपको टिक मार्क लगा देना है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपका जो फोटो है यहां पे देख सकते हैं फाइल में अपलोड हो चुका है, ठीक। अब उसके बाद में क्या करना है कि आपको यहां पे घोषणा पत्र जो होता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र उसे अपलोड करना होगा, तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का जो लिंक है यानी डाउनलोड करने का लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसे फिलअप करके अपलोड कर दीजिएगा। तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, यहां पर देख सकते हैं दिया है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में अभी देख सकते हैं मैं गैलरी से जाके उसे अपलोड करता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पे मैंने पहले से जो है स्कैन करके रखा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहां पे अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे पेज रिफ्रेश होगा, यहां पे देख सकते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी आपका अपलोड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट होंगे फोटो के अलावा 100 KB से कम के होने चाहिए, ठीक। उसके बाद में अब यहां पे आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आप पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई नहीं तो आप प्रधान का निवास भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर दोबारा से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे हम अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक, अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो जैसे अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे संलग्न शीर्षक भरे वाले ऑप्शन में यहां पर हम लिखेंगे आधार कार्ड, तो यहां पर हम लिख देते हैं आधार, उसके बाद में आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड लिख दिया। अब चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका आधार कार्ड है गैलरी से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पे मैंने आधार कार्ड भी सेलेक्ट कर लिया, अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में पेज एक बार फिर से रिफ्रेश होगा और यहां पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। यहां पे तीन डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया, फोटो हो गया, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया। एक बार फॉर्म को क्या करेंगे, एक बार ऐसे पूरा चेक कर लेंगे कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक।
उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आपको दर्ज करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना मिल जाएगी। तो एक बार डिटेल को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं ठीक। उसके बाद में अगर सारा कुछ सही है तो नीचे देख सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान करे का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा सेवा शुल्क भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा क्योंकि अगर जो है आगे आपको जो है जरूरत इसकी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ठीक, बाकी आप पेन से भी नोट कर सकते हैं। अब मैं इस सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको ₹15 का पेमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप आय जात निवास कोई भी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ₹15 का पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए यहां पे देख सकते हैं आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन, डेबिट कार्ड का ऑप्शन, QR का ऑप्शन और UPI का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप किसी भी से भी कर सकते हैं। तो आप QR कोड को भी स्कैन करके कर सकते हो, यहां पे हम UPI से करने वाले हैं, तो हम UPI के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहां पे देख सकते हैं लिखा है पे बाय एनी UPI ऐप, और यहाँ पे दिया है UPI ID, दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे UPI ऐप से ही डायरेक्ट करते हैं, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, बाकी UPI ID से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल फोन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम होगा, सारे ऐप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फोन पे को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में फोन पे में मेरा पिन पड़ा हुआ है, तो मैं उसे डाल देता हूँ पहले ये अनलॉक हो जाए ठीक। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट करने का डायरेक्ट आपको ऑप्शन मांग लेगा ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग में हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट करना है, तो ₹15 के पेमेंट के लिए हम यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है UPI पिन जो है नहीं दिखाता है, आपको जो है हाइड कर देता है सिक्योरिटी की वजह से। तो यहाँ पे हम UPI पिन डाल के हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद में पेमेंट डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो गया, डन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब भी आप जो है अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक एरर ये जो है सम एरर करके हमेशा आता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, और ना ही यहाँ से आपको जो है छोड़ देना है फॉर्म को। कुछ लोग यहीं से छोड़ देते हैं, आगे पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उनका बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू क्लोज विंडो के ऊपर क्लिक कर देना है ठीक। मैंने क्लिक कर दिया, और दोबारा से आपको वही eDST की वेबसाइट पे जाना है, जिस तरह से आपने शुरू में लॉगिन किया था सेम उसी तरह से आपको दोबारा से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। user ID, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को जो है यहाँ पे डाल के दोबारा सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको साफ साफ बताया भी गया है कि यदि जो है सेवा शुल्क का भुगतान करते समय आपकी जो पावती की रसीद है, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो लास्ट में आपकी जनरेट होती है, अगर वो नहीं जनरेट होती है तो आपको पुनः जो है सेवा शुल्क भुगतान पे जाके दोबारा से आपको जो है अपने आवेदन को सुरक्षित करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे आपको सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे जाना है, तो सेवा शुल्क भुगतान वाला ऑप्शन ऊपर ही दिया गया है, तो इसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना है, तो मैंने कॉपी करके रखा है। मैं उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ठीक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपके सामने इस तरह से जो है सुरक्षित करें का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल सा सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आपका आवेदन जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो यहां पे हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है IC से आपका स्टेटस वगैरह चेक किया जाएगा। अब यहां पे आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसे क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लोज के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो जात प्रमाण पत्र है अप्लाई हो चुका है। स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिया गया है, यहीं पे आपको वही एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि आवेदन पत्र जो हमारे यहां के तहसीलदार हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है, और जैसे जैसे आगे यानी कि प्रोसेस होता जाएगा यहां पे आपको स्टेटस शो होता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।